अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो उसके लिए मैं ली हूँ 1 किलो कद्दू। तो अभी मैं इसे कट करूँगी। तो देखिए ये जो बीच का है सब निकाल दूँगी मैं। अभी मैं इसका छिलका भी निकालूंगी। तो देखिए इधर मैं ली हूँ 5 से 6 हरी मिर्च और हरा धनिया, और यहाँ कद्दू मैं कट करके रख ली हूँ धुल के। तो कढ़ाई में मैं ये सब डाल दूंगी, और ये सोया और हरा मिर्च। धनिया मैं अभी नहीं ऐड करूंगी। और ये 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा शक्कर भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि ये खट्टी मीठी भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए ढक्कन लगा के मैं अभी से गलने तक पकाऊंगी। तो देखिए 5 मिनट बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ये कद्दू की सब्जी। ये मैं खटाई भी ऐड कर रही हूँ इसमें, और सारे पीसेस को मैं तोड़ दूंगी। अच्छे से सब मिक्स हो जाए। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सारे पीसेस को मैं तोड़ दी हूँ। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कढ़ाई रख दी हूँ मैं, अभी तेल ऐड करूँगी इसमें। तो देखिए मैंने तेल ऐड कर दी हूँ। इसमें 4 सूखी मिर्च मैं डाल रही हूँ, हींग भी ऐड कर दूंगी। तो तड़का तैयार हो चुका है, अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं कद्दू। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो देखिए सब मैं ऐड कर दी हूँ इसमें। थोड़ा सा इसे भूनूंगी। अभी मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। और सोया डाल के अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है सोया की। और हमारी ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं इसे डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए बनके तैयार हो चुका है कद्दू की सब्जी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।